Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel. It's hashtag Vinay's Vision and I'm your personal auxiliary Vinay Panekar. आज हम लोग विराम चिन्ह का जो वीडियो है इसको रिवाइज करने वाले हैं. ऑलराइट, जिससे आपको एग्जाम में दो गुण मिल जाएगा आराम से, मतलब दो मार्क्स आपको मिल जाएंगे. ऑलराइट, तो चलिए हम लोग देखते हैं कितने प्रकार के विराम चिन्ह हैं मराठी के अंदर. ओके, जिसका मैं आपको ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी दूंगा एंड उसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसके बेसिस पे कौन से अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं जिसको आपको प्रैक्टिस करके सॉल्व करके पूरे के पूरे मार्क्स को अचीव करना है. ऑलराइट, पहला वाला है पूर्ण विराम. पूर्ण विराम मतलब फुल स्टॉप. जो भी वाक्य के एंड में लगा रहता है उसको आप बोलेंगे पूर्ण विराम. ओके, अगर आपको कोई सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें आपको लग रहा है कि ये साधारण कोई वाक्य है तो उसके एंड में आप पूर्ण विराम डालो. ऑल राइट, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एकदम सिंपल तरीके से बोला गया है विराम चिन्ह से ओढ़ यहाँ पे की एक कृति दिली जाए तो लास्ट में डॉट दिया हुआ है. सिंपल सेंटेंस रहेगा, उसके कोने में क्या आएगा, डॉट आएगा. ओके, नेक्स्ट स्वल्प विराम है कॉमा. अगर आपको कोई चीज ऐसा दिया है जिसके अंदर एग्जाम्पल्स है, जिसके बहुत सारे ऑप्शंस है तो उसके आगे क्या आएगा, स्वल्प विराम जो है कॉमा. ऑलराइट, जैसे कि मुंबई, नागपुर, चेन्नई, दिल्ली, ये सब के बीच में क्या आएगा, सिटीज के नाम के बीच में कॉमा आएगा. ऑलराइट, नेक्स्ट है प्रश्न चिन्ह. प्रश्न चिन्ह मतलब क्वेश्चन मार्क. प्रश्न चिन्ह क्या होता है, क्वेश्चन मार्क. तू कुठे जातो, तू काय करतो, आई कुटे आए, ऐसे कोई क्वेश्चन रहेगा ना, क्वेश्चन वाला सेंटेंस रहेगा तो आप उसको क्या बोलोगे, आप उसके एंड में क्या डालोगे, प्रश्न चिन्ह डालोगे, क्वेश्चन मार्क. ओके, प्रश्न चिन्ह क्या रहता है आपका, पंक्चुएशन, क्वेश्चन मार्क रहता है. नेक्स्ट, अल अवतरण चिन्ह दुहेरी और एकरी. ओके, आपको ये बात याद रखना है कि आप दुहेरी लिखते हो अगर डबल इनवर्टेड कॉमास है तो, सिंगल इनवर्टेड कॉमास है तो एक हरी लिखते हो. दुहेरी अवतरण चिन्ह कब आएगा, जब कोई वाक्य किसी ने बोला है और आप उसी चीज को वैसे ही निर्देश करना चाहते हो तो वहां पर आप क्या डालोगे, डबल इनवर्टेड कॉमास डालोगे. ऑलराइट, किसी ने डायरेक्ट स्पीच दिया है और आप चाहते हो कि वो चीज आप हाईलाइट करो कि उसने यही बात बोली है तो जब आप वो बात लिखोगे तो आप उसके पहले क्या डालोगे, डबल इनवर्टेड कॉमास जो है दुहेरी अवतरण चिन्ह. और एकरी अवतरण चिन्ह क्या है, सिंगल इनवर्टेड कॉमास, मतलब एक ही कॉमा. अगर कोई एक स्पेसिफिक वर्ड है जिसको आप मेंशन करना चाहते हो या कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर है तो आप उसमें क्या डालोगे, एकरी अवतरण चिन्ह, मतलब सिंगल इनवर्टेड कॉमास. नेक्स्ट है अपसरण चिन्ह. अपसरण चिन्ह क्या रहेगा आपका, बड़ा वाला डैश. ओके, बड़ा वाला डैश कब आएगा, जब आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बताया लिखते लिखते आपका लाइन खत्म हो गया है और वर्ड जो है आपका सेकेंड लाइन पर चला गया है, नेक्स्ट लाइन पर चला गया है तो आप अपसरण चिन्ह डालोगे, कंटिन्यूएशन का सिंबल डालोगे. ऑलराइट, इसको आप हाइफ़न भी बोल सकते हो. मूविंग फर्दर हेड वी हैव गॉट अर्धविराम. अर्धविराम मतलब क्या रहेगा हमारा, यस, अर्धविराम हमारा रहेगा सेमी कोलन. ओके, जब आप चाहते हो कि कोई एक ऐसे सेंटेंस में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे सेमी कोलन डाला गया है, मतलब वो चीज वहां खत्म हो गई है, अभी उसके आगे हम लोग कोई और दूसरी चीज की बात करने वाले हैं. ऑलराइट, जिसका बहुत सारा एग्जाम्पल वापस से है, जैसे समझ लो कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, नागपुर, सेमी कोलन डाल के वहां पे आपने फिर फलों के नाम लिख दिया है, केला, आम, अंगूर, ऐसा करके लिख दिया है आपने तो सबके बीच में वापस कॉमा आ गया तो फिर मुंबई और आम और इसमें फर्क क्या रहेगा, तो इन लोग दोनों के बीच में जब हम लोग क्या कर रहे हैं, डिविजन डाल रहे हैं तो वहां पर सेमी अर्धविराम यूज. नेक्स्ट, अपूर्ण विराम. अपूर्ण विराम आप कब यूज करोगे, अपूर्ण विराम आप यूज करोगे जब डबल डॉट वाला सिचुएशन आएगा. ऑलराइट, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे कोलन. इसको क्या बोलेंगे आप, कोलन. जब भी आप डायलॉग राइटिंग लिखते हैं या जब भी किसी का नाम के आगे आपको कुछ लिखना है, ओके, तो आप क्या करोगे, अपूर्ण विराम को यूज करोगे. द वेरी नेक्स्ट थिंग वी हैव इज उद्गार चिन्ह, एक्सक्लामेटरी मार्क. एक्सक्लामेटरी मार्क आप कब यूज करोगे, जब आपको कोई चीज का एक्सप्रेशन देना है, अबो केवड़ा मोटा अजगर आए, वाह कितनी सुंदर आए ताजमहल, ओह
काय साला तिला। ओके, जब आप ऐसे एक्सप्रेशन वाले वर्ड्स को यूज करोगे तभी आप क्या यूज करोगे, उद्गार चिन्ह। ऑलराइट, द नेक्स्ट वर्ड इज संयोग चिन्ह। संयोग चिन्ह मतलब क्या, कोई जॉइंट वर्ड रहता है, कंपाउंड वर्ड जैसा वर्ड रहता है, जैसे कि आत बाहर, वर खाली, तो उस बीच में आप क्या यूज कर सकते हो, संयोग चिन्ह को यूज कर सकते हो। संयोग चिन्ह क्या करेगा, आपको डेफिनेटली कोई कंपाउंड वर्ड के बीच में यूज करने के काम में आएगा। ऑलराइट, संयोग चिन्ह हो गया आपका। यस, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव अमंगस्ट, द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट वी हैव इज, आपको क्या करना है यहाँ पर, पुढ़िल नावन समोर विराम चिन्ह लिया, मतलब नाम के आगे आपको क्या करना है, विराम चिन्ह डालना है। अर्ध विराम, अर्ध विराम कौन सा है इसमें से, फटाफट बताओ। यस, अर्ध विराम ये है, डॉट एंड कॉमा, दैट इज सेमी कोलिन। संयोग चिन्ह किधर है, संयोग चिन्ह, संयोग चिन्ह जो है आपका वो इधर है, किधर है आपका संयोग चिन्ह, यस यहाँ पर, यस और नो। नेक्स्ट वी हैव अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम किधर है आपका, यस वेरी नाइस, अपूर्ण विराम आपका इधर है, जो डायलॉग राइटिंग में यूज होता है। अपसरण चिन्ह, अपसरण चिन्ह में मैंने बोला था ना आपको हाइफ़न रहता है, तो वो आपका इधर है। ऑलराइट, आपने इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको क्या करना है, विराम चिन्ह का नाम लिखा रहेगा, आपको विराम चिन्ह डालना है, या तो फिर इसका उल्टा हो सकता है कि आपको उन्होंने दिया रहेगा क्वेश्चन जिसके अंदर विराम चिन्ह बना के दिया है, आपको उनके नाम को लिखने का है। दोनों में से कौन सा भी टाइप आएगा मैं आपको बोलता हूँ कि आप इजीली सॉल्व कर पाओगे क्योंकि आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया है। ऑलराइट, या तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आने के चांसेस है कि एक इतना बड़ा वाक्य दिया रहेगा और इसके अंदर सारे के सारे विराम चिन्ह आपको दिए हुए रहेंगे, तो आपको ये 1, 2, 3, 4 डब्बे में क्या करना है, विराम चिन्ह को लिखना है। यहाँ पर कॉमा है, यहाँ पर दुहेरी अवतरण चिन्ह है, यहाँ पर उद्गार चिन्ह है और यहाँ पर पूर्ण विराम है, ये चारों को लिख दिए, यहाँ पर उसका आंसर लिख दिए, आपको 2 मार्क मिल गया। ये इजी तरीके से आपको क्या करना है, अपने काम को आराम से इजी बनाकर दिमाग को शांत रख के 2 मार्क्स को लेकर जेब में डाल के आपको अपने घर पे भाग जाने का है। ऑलराइट, ये इतना इजी है। ओके, नाउ आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग माय चैनल राइट नाउ, इफ यू हैव नॉट डन इट येट प्लीज डू इट बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड यू टू, एंड ऑल्सो विद दैट कॉमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। Also like my video because the more you like, the more my video will be spread amongst the audience. And thank you so much. Bye.